IAS, GATE, PSU एंड ऑल टेक्निकल एग्जाम्स की कंप्लीट हैंड रिटन नोट के साथ ऑनलाइन स्टडी करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कर लेवे और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हेलो, सेकेंड है एल्कलिनिटी। फर्स्ट क्या कंप्लीट हो गया? डिजोल्ड सॉलिड्स। ओके, रनिंग में क्या चल रहा था रनिंग में? केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स की स्टडी कंप्लीट कर ली है, ठीक है। क्योंकि कौन कौन से फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं वो भी सारे कुछ स्टडी कर लिया। ओके, अभी प्रीवियस लेक्चर से हमने क्या स्टार्ट किया था, देखो थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं। प्रीवियस लेक्चर से हमने स्टार्ट किया था केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। इसमें मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि ये जितने भी है वाटर क्वालिटी पैरामीटर है, कौन से? केमिकल। क्योंकि हम क्या करते हैं, इनको जो हमारी फिजिकल जो सेंसेज है उनके थ्रू इनको फील नहीं कर सकते हम। तो ये सारे क्या हो गए, इनको कोई ना कोई कुछ प्रैक्टिकल परफॉर्म करके कैसे भी करके इनको फाइंड आउट करते हैं अलग अलग तरीके से। ओके, बट जो हमारे फिजिकल सेंसेज है, स्किन हो गई, आई हो गया, ओके, नोज हो गई, इनके थ्रू हम इनको देख नहीं सकते। लाइक जैसे मैं बोलूँ पीएच, ठीक है, वाटर है, वाटर में मैं बोलूँ कि आप देख के ये बताओ कि इसमें कितनी पीएच है, आप नहीं बता सकते हो, ठीक है। अंदाज़ा लगा सकते हो लेकिन रियल जो एग्जैक्ट है वो नहीं बता सकते हो, अप्रोक्स भी नहीं बता सकते हो। या फिर आप उस वाटर को टेस्ट करके ये नहीं बता सकते हो कि इसमें पीएच है या नहीं है, वाटर कितना हार्ड है। ओके, ये तो आप बता दो कि वाटर हार्ड है, बट इसमें हार्डनेस है कितनी ये हम नहीं बता सकते। तो डिजोल्ड सॉलिड हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट है एल्कलिनिटी। ओके, एल्कलिनिटी क्या होती है एंड इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। ओके, न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे एल्कलिनिटी है अगर वाटर में है तो। कार्बोनेट एल्कलिनिटी क्या होती है, बाइकार्बोनेट एल्कलिनिटी क्या होती है, कॉस्टिक एल्कलिनिटी क्या होती है, ये सारा कुछ स्टडीज में इस लेक्चर में कर देंगे। ओके, देन एक एक करके थ्योरी पार्ट है, जैसे जैसे थ्योरी को पढ़ते रहेंगे और साथ ही साथ उसकी एनालिसिस करते रहेंगे। ओके, ऐसा नहीं कि मैं आपको समझाऊँ कुछ अलग, वही पढ़ाऊँगा जो नोट्स में, क्योंकि नोट्स में हर एक चीज़ है। ओके, नोट्स आपने ले रखे हैं, आपने पढ़े भी होंगे, मेरे पास लिए थे। ओके, एल्कलिनिटी इज मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ आयन प्रेजेंट इन द वाटर। एल्कलिनिटी क्या होती है कि आपके वाटर में आयन्स कितने आयन हैं उसकी प्रेजेंस को फाइंड आउट करना। जितने आयन्स होंगे उतने ही आपके वाटर में एल्कलिनिटी होगी। देट आर कैपेबल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग द हाइड्रोनियम आयन। वो क्या करते हैं, जो आपका हाइड्रोनियम आयन है H+ को क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन, उनको क्या न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी होती है। और हम ये भी कह सकते हैं इट मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ वाटर न्यूट्रलाइज एसिड। और इसको ये भी कह सकते हैं कि आपके वाटर में से एसिड को न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी को ही एल्कलिनिटी कहते हैं, ठीक है। एल्कलिनिटी बहुत तरीके की हो सकती है, अलग अलग वाटर में किस किस तरीके की एल्कलिनिटी हो सकती है अगर देखें तो CO3 2-। ओके, यहाँ पर ये डबल माइनस लगा हुआ है, -। ओके, CO3 2-, HCO3-, CO3 2- को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनेट एल्कलिनिटी। ओके, ये ध्यान रखना आप, क्या है एग्जाम में क्या होता है कि ये कंपाउंड ये इसको जो केमिकल नाम ना दे करके लिख भी देता है वर्ड्स में, तो HCO3 2- को क्या बोलते हैं, कार्बोनेट एल्कलिनिटी। देखो यहाँ पर लिख रखा है कार्बोनेट एल्कलिनिटी। HCO3-, ये भी एक तरीके की एल्कलिनिटी है जो वाटर में प्रेजेंट हो सकती है, इसको क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट एल्कलिनिटी। OH-, इसको क्या बोलते हैं, कोस्टिक एल्कलिनिटी। ऐसे ही HS-, HPO4-, HSIO3 एंड HS-, इनके बारे में कोई नहीं पूछेगा आपको, तीन इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान रखना है। कौन कौन सी है, कार्बोनेट एल्कलिनिटी, बाइकार्बोनेट एंड कोस्टिक एल्कलिनिटी जो मेजर है इसमें। ओके, ऐसे तो बहुत सारी एल्कलिनिटी है, मैंने आपको सब कुछ बता दी, लेकिन जो मेजर है वो कौन कौन सी है, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्सिल आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कंट्रीब्यूट एल्कलिनिटी एंड रेस्ट आर माइनर, और बाकी की जो है वो माइनर है, इंपॉर्टेंट ये तीनों ही है। ओके, जो भी क्वेश्चंस वगैरह आएंगे वो आपको इन्हीं में से पूछेगा ज़्यादातर क्या, पूरे ही इसमें से पूछेगा। तो तीनों के नाम याद आप रखने हैं। ओके, कौन कौन से, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड कॉस्टिक, इंपॉर्टेंट नोट है, इंपॉर्टेंट नोट को ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट नोट क्या है, फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पसेस एल्कलिनिटी ड्यू टू माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी नेग्लेक्टेड। हम प्रैक्टिकल जो भी पर्पज़ के लिए वाटर को यूज़ करेंगे उसके लिए हम माइनर कौन से, इनके अलावा जो भी एल्कलिनिटी है उनको क्या करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं। ओके, कंसिडर किसको करते हैं, इनको, अगर ये एल्कलिनिटी आपके वाटर में प्रेजेंट है तो इनको आप रिमूव करेंगे या फिर इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, फॉस्फोरस इज मिक्सड इन वाटर बाय द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स एंड डिटर्जेंट। इट इज़ द प्राइम पोल्यूटेंट ऑफ लेक एज इट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ एल्गी विच गिव्स एज ए न्यूट्रेंट्स। ये क्या करते हैं, आपके एल्गी की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। एल्गी क्या होता है, मैंने आपको बताया वाटर में क्या होता है, आपने देखा भी होगा अगर वाटर बहुत टाइम तक एक ही जगह पर भरा हुआ रहता है। ओके, इसमें वाटर एक जगह, तो इस पर क्या होता है, एक ब्लू कलर की ऊपर एक नीली नीली सी कुछ आ जाता है। ओके,
एक वो क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उनको क्या बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं, ठीक है। वो ध्यान रखते हैं ये जो कार्ब एल्केलिनिटी रहती है, मेजर एल्केलिनिटी, ये क्या करते हैं आपके जो वाटर है उसमें एल्गी की ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं या फिर ग्रोथ करते हैं एल्गी की। ओके नेक्स्ट पॉइंट है, बाकी देखो मैं कुछ कुछ समझा रहा हूँ ना, आप एक कंप्लीट इसको पॉज करके, या फिर आपने नोट्स मेरे पास नहीं ले रखे हैं तो ले लेना, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आपको एक एक पॉइंट पढ़ लेना, मैं सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा कुछ आइडिया बता रहा हूँ, बाकी तो आप थ्योरी बिल्कुल एक एक वर्ड टू वर्ड तो बताऊंगा नहीं मैं, बाकी आप खुद से पढ़ के फिर इनको समझ सकते हो। ओके नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, एल्कलिनिटी इन वाटर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू आयंस। ये तो हमने फर्स्ट लाइन ही यही थी हमारी, एल्कलिनिटी किसके थ्रू आती है, आयंस के थ्रू। अगर आपके वाटर में आयंस है तो वहाँ एल्कलिनिटी जरूर जरूर होगी। ओके विच मे बी मिनरल ओरिजन, विच मे बी ड्यू टू, अब किसके कारण हो सकती है, ये मिनरल के ओरिजन के कारण हो सकती है, विच मे बी ड्यू टू माइक्रोबिया डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व गैसेज इन द वाटर। वाटर में जो भी डिजोल्व गैसेज है, डिजोल्व गैसेज कौन कौन से हो सकते हैं, CO2 हो गई, H2O सके हो गई, ठीक है। ये मैंने आपको प्रीवियस फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर थे उसमें मैंने आपको बताया डिजोल्व गैसेज कौन कौन सी हो सकती है। CO2 अगर आपके वाटर में मिली हुई है तो क्या करेगा, वो बेड टेस्ट देगा। ओके H2S मिली हुई है तो क्या करेगा, रोटन एक जैसा इसमें टेस्ट, सॉरी रोटन एक जैसा टेस्ट देगा। ओके CO2 से अलग बेड स्मेल आएगी, टेस्ट अलग आएगा। नेक्स्ट बात आती है रिएक्शंस की, रिएक्शन किस तरीके से बनेगी, ठीक है, किस तरीके से आपके कंपाउंड टूटते हैं, ये सारा कुछ मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, ये आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th में अच्छे तरीके से स्टडी करी होगी। ओके अगर आपको नहीं आता है तो थोड़ा सा वहाँ पर जा करके थोड़ी स्टडी कर लो। ओके यहाँ पर कोई हमें PhD नहीं करनी है, जो जो फिक्स सिलेबस है वो बस उसको पढ़ो, ठीक है। IAS गेट में सिलेक्शन चाहिए तो जो फिक्स सिलेबस है, जो फिक्स है सिलेबस, वही इतना सिलेबस है कि उसको कर लोगे वही बहुत हो जाता है। हम क्या करते हैं कि अरे ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, उसके चक्कर में तो फिर रह जाते हैं फिर, ठीक है। ये मैं सही बात बोल रहा हूँ, गलत मत समझना, इसलिए जो फिक्स है ना सिलेबस वही पढ़ो, क्योंकि IAS का अपना सिविल का सिलेबस वैसे ही कितना ज़्यादा बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, इसलिए ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट नोट्स है मैं आपको पहले भी बता रखा हूँ क्या क्या है इम्पोर्टेंट, पहले तो नोट्स पढ़ लो अच्छे तरीके से, ओके बहुत अच्छे तरीके से नोट्स पढ़ लो, उसके बाद में जो मैंने टेस्ट है वो तो मेरे पास किसी ने लिए नहीं, और नहीं लोगे तो आपके लिए ही नुकसान है, वो मत लेना, ठीक है। वो टेस्ट जो 100 टेस्ट है वो सारे टेस्ट अगर कर लोगे तो एक तो नोट्स इतने अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे उन टेस्ट के थ्रू। ओके पहले नोट्स पढ़ोगे तो उससे कुछ नहीं आएगा, बट नोट्स के जब आप नोट्स एक बार पढ़ लोगे फिर जो टेस्ट दोगे फिर आपको पता लगेगा कि नोट्स तो मैंने अच्छे तरीके से पढ़े ही नहीं। वापस से नोट्स पढ़ोगे जब पता लगेगा कि नोट्स को किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से एग्जाम्स में यूज़ आते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आएंगे, 100 टेस्ट में जाने कितने क्वेश्चंस है, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है। गेट में किस तरीके से पूछता है क्वेश्चंस, ओके उसका टाइम मैनेजमेंट सब कुछ उसमें मिलेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मेरे पास तो नोट्स तो फिर भी बहुत लोगों ने लिए हैं, लेकिन ये जो टेस्ट जिसने नहीं लिए वो उसके लिए नुकसान है, ठीक है, सीधा बात है, ठीक है। रिएक्शन क्या है, CO2 प्लस H2O, ये क्या देता है हमें, H2CO3 देता है, ठीक है। ये जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन का मतलब होता है कि ये दोनों तरफ रिएक्शन चलती है, ठीक है। CO2 प्लस H2O को अगर आप मिलाओगे तो आपको H2CO3 देगा, अगर H2CO3 को आप वापस से तोड़ोगे तो आपको क्या देगा, CO2 प्लस वाटर, ठीक है। CO2 गैस देगा और कुछ वाटर दे देगा, ठीक है। ऐसे ही आपको H2CO3 को वापस से तोड़ोगे तो HCO3- मतलब बाइकार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन आयन, ओके। देन वापस आप बाइकार्बोनेट को वापस से तोड़ोगे तो क्या देगा, CO3- कार्बोनेट एल्केलिनिटी प्लस H+ आयंस, ओके। बट ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन याद कर लो, अगर समझ नहीं आती तो ये रिएक्शंस को याद कर लेना आप, ठीक है। याद मत करो, क्वेश्चंस करोगे तो जहाँ पर यूज आएगी, अब वही बात आ जाती है ना कि आपको पता कैसे लगेगा कि किस तरीके, अब ये रिएक्शंस आपके किस तरीके से यूज आएगी, ये आपको पता कैसे लगेगा, ये आपको पता लगेगा जो मेरे टेस्ट जो मैंने बोल रखे हैं वो करने से, ठीक है। अब इनका यूज़ किस तरीके से आएगा ये तो आपको नोट्स में तो कितने क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन करवा देंगे, दो क्वेश्चंस करवा देंगे, उन्हीं में से थोड़ी आता है, वो तो सिर्फ नोट्स को नॉर्मल वे में समझने के लिए क्वेश्चंस करवाते हैं। बट आपको अच्छे तरीके से अगर IAS या गेट में सिलेक्शन चाहिए तो उसके लिए तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। अब इन चीज़ का यूज़, ये तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस चीज़ का यूज़ या किसी भी थ्योरी का, ये थ्योरी है मान लो, ठीक है, ये मैंने आपको इतने पॉइंट्स बताए, इन पॉइंट्स का किस तरीके से यूज आएगा, इन पॉइंट्स में से आपको एग्जाम्स में किस तरीके से पूछेगा, ये तो आपको टेस्ट के क्वेश्चंस करने से ही पता लगेंगे, ठीक है। वहाँ पर सॉल्यूशन है, अच्छे तरीके से देखो पढ़ो उनको, ठीक है।
ठीक है, ये रिएक्शन ध्यान रखना, बाइकार्बोनेट प्लस कार्बोनेट एल्केलिनिटी में अगर वाटर मिला देंगे तो क्या देगा, बाइकार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्सिल आयन, ओके एल्केलिनिटी। ओके देन इस पॉइंट को आप खुद से पढ़ लेना, क्या है, द अबो रिएक्शंस वेरी वीक बट इफ एल्गी प्रेजेंट इन द वाटर इट कंज्यूम HCO3। ठीक है, ये बोला कि आपकी जो ऊपर की रिएक्शन है ये बहुत वीक है, मतलब जल्दी से ये रिएक्शन बनती नहीं है, बट अगर आपके वाटर में एल्गी प्रेजेंट है, एल्गी मतलब वो जो नीला नीला पानी में जम जाता है बहुत टाइम तक एक ही जगह पानी भरा रहता है, तो ठीक है, अगर वो आपके प्रेजेंट है वाटर में तो आपकी बाइकार्बोनेट एल्केलिनिटी है उसको क्या करता है, कंज्यूम कर देता है वो, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ कार्बन, क्योंकि आपका जो एल्गी रहता है उसमें क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट रहता है। एंड आपको ये भी पता होगा, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, एल्गी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एल्गी मतलब क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एनर्जी कहाँ से मिलती है, आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में किसी ना किसी लेक्चर में बोला था, इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, कार्बन से मिलती है, ठीक है, कार्बन कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके किचन के वेस्ट है उनमें या फिर फ्रूट्स हैं उनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, वहाँ से एनर्जी लेते रहते हैं और क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज करते रहते हैं आपके इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मटेरियल्स को, ठीक है, उसको डिकम्पोज करते रहेंगे, तो अगर आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कार्बन से एनर्जी मिल रही है तो इनडायरेक्टली आपको एल्गी को भी कार्बन से एनर्जी मिल रही है, ठीक है, तो यहाँ पर यही लिख रखा है सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ एल्गी, आपको जो कार्बन है वो एल्गी का सोर्स है, ओके, ठीक है, बाकी आगे खुद पढ़ लेना आप। नेक्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हैंस इफ एल्गी इज प्रेजेंट इन वाटर इट्स पीएच इज इन द रेंज ऑफ 8 to 10। अगर आपके वाटर में एल्गी प्रेजेंट है तो वो वाटर हमेशा कैसा होगा, बेसिक होगा, ओके, ये आपको पता होगा कि आपके पीएच की जो रेंज है वो कितनी रहती है, 0 to 14 रहती है, ठीक है, अगर 0 से आपके 7 के बीच में है, आपके किसी भी वाटर की पीएच 0 से 7 के बीच में है, अच्छा 7 से इसके बीच में है तो कैसा होगा वो वाटर, एसिडिक होगा, ओके, और अगर 7 से 14 के बीच में है, ओके, ये नॉर्मल चीज़ बता रहा था आपको, मैं वापस से बता देता हूँ, अगर आपकी 0 से लेकर के 7 के बीच में पीएच है, ठीक है, वाटर की, तो वो कैसा वाटर होगा, एसिडिक होगा, ओके, और 7 से 14 के बीच में है अगर तो वो कैसा होगा, बेसिक वाटर होगा, और अगर फिक्स आपकी 7 है, ओके, ये रेंज वेंज का फ़र्क कुछ नहीं है, आपकी फिक्स 7 है तो वो वाटर कैसा होगा, आपका न्यूट्रल वाटर होगा, ओके, तो अगर आपके वाटर में एल्गी मिली हुई है, अगर एल्गी है आपके वाटर में तो उसकी रेंज कितनी होगी, 8 to 10 होगी, मतलब 7 से ज़्यादा है, मतलब 7 to 14 के बीच में, मतलब आपका वाटर क्या होगा, बेसिक होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना, ओके, सभी कुछ इंपॉर्टेंट है लेकिन जो खास इंपॉर्टेंट है उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, अब बात आती है इंपैक्ट ऑफ एल्केलिनिटी, हम क्या करते हैं हर एक टॉपिक को इसी तरीके से पढ़ रहे हैं, डिजोल्व सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड, कलर, क्या क्या था, टेस्ट एंड ऑर्डर, सब कुछ वो कैसे किस तरीके से पढ़ रहे हैं हम स्टार्टिंग लेक्चर से ही, पहले उसके रिलेटेड कुछ स्टडी करेंगे छोटी मोटी, उसके बाद में उसके इम्पैक्ट्स क्या क्या हैं उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, ये सारा कुछ कर रहे हैं, ठीक है, जो एल्केलिनिटी के रिलेटेड नॉर्मल जो थ्योरी थी वो कंप्लीट हो गई है, अब बात आती है इम्पैक्ट ऑफ एल्केलिनिटी, एल्केलिनिटी के क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट इम्पैक्ट क्या है, द प्रेजेंस ऑफ एल्केलिनिटी इन वाटर इम्पार्ट्स बिटर टेस्ट टू इट, वो क्या करता है, अगर आपकी एल्केलिनिटी वाटर में है तो उसका बिटर टेस्ट, बिल्कुल कड़वा टेस्ट कर देता है उसका वाटर का, ठीक है, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट है, द प्राइम ऑब्जेक्शन ऑफ एल्केलिनिटी इज इन लीड टू द इनक्रस्टेशन ऑफ पाइप, इसका जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, कि अगर आपके वाटर में बहुत ज़्यादा एल्केलिनिटी भरी हुई है या फिर आपका बहुत ज़्यादा वाटर एल्केलाइन वाटर है तो क्या करेगा, आपके पाइप को इनक्रस्टेशन कर देगा, इनक्रस्टेशन का मतलब क्या होता है, जैसे ये पाइप है आपका, ओके, ये पाइप है, इसमें से वाटर जा रहा है यहाँ से, इनक्रस्टेशन का मतलब है कि आपके वाटर में क्या करेगा, ये यहाँ पर जमने लग जाता है धीरे 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 अंदर ही अंदर, ठीक है, यहाँ से वाटर एल्केलाइन का कारण यहाँ वाटर यहाँ जमने लग जाएगा धीरे 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 धीरे, ठीक है, यहाँ जमेगा, यहाँ जमते जमते क्या होगा, आपके ये पाइप क्या करेगा, चोक कर देगा बीच में से धीरे धीरे, मतलब इसका जो डिस्चार्ज कैपेसिटी है वो क्या होगी, इसकी कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ इंटरनल सर्फेस एरिया, इसका जो इंटरनल एरिया है वो क्या करेगा, डिक्रीज हो जाएगा एल्केलिनिटी का, क्योंकि अंदर ही अंदर क्या करने लग जाएगी, जमने लग जाएगी, ओके, तो देखो यहाँ पर ये कह रहा है द प्राइम ऑब्जेक्शन ऑफ द एल्केलिनिटी इन इज इट लीड टू द इनक्रस्टेशन इन पाइप, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ प्रेसिपिटेशन इन द पाइप लीड टू द डिक्रीज डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी इज कॉल्ड इज इनक्रस्टेशन, इनक्रस्टेशन यही होता है कि अंदर ही अंदर क्या करेगा, वाटर जमने लग जाएगा, और वाटर जमने से क्या होगा, उसमें पाइप में जो इंटरनल जो सर्फेस एरिया है बीच का
वो क्या होगा, उससे कम होने लग जाएगा। तो ऑब्वियस बात है, बीच का एरिया कम होने लग जाएगा तो उसकी जो डिस्चार्ज कैपेसिटी है वाटर की वो कम हो जाएगी। ओके, ये तो समझने वाली बात है, समझने वाली तो सब कुछ ही है बात, लेकिन ये तो नॉर्मल है, मतलब ऐसे समझ आ जाएगा। ओके, एक होता है आपका इंक्रस्टेशन होता है, एक कोरोजन भी होता है। ओके, कोरोजन के लिए देखो यहाँ पर लिख रखा है ये एसिडिटी लीड्स टू कोरोजन ऑफ पाइप। अब आपके वाटर में एल्कलिनिटी है, इसका मतलब क्या है, वो बेसिक है, ठीक है, बेसिक वाटर है, हाँ बेसिक वाटर है, ठीक है। अगर आपके वाटर में बेसिसिटी है तो क्या करेगा, आपके पाइप को इंक्रस्टेशन करेगा, मतलब अंदर से चोक करता रहेगा धीरे धीरे। बट अगर आपका वाटर एसिडिक है, देखो यहाँ पर लिख रखा है, अगर बेसिक है तो आपका इंक्रस्टेशन होगा, और अगर आपका वाटर एसिडिक है, बेसिक होगा तो इंक्रस्टेशन होगा, और अगर एसिडिक है तो क्या करेगा, कोरोजन करेगा, कोरोजन मतलब पाइप को धीरे धीरे वो खराब करता रहेगा। ओके, एंड एल्कलिनिटी देखो यहाँ पर लिख रखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखा है, एसिडिटी लीड टू कोरोजन ऑफ द पाइप, मतलब खराब करेगा, वेयर एज एल्कलिनिटी लीड्स टू इंक्रस्टेशन ऑफ पाइप। समझ आ गया ना, एल्कलिनिटी टू इंक्रस्टेशन का मतलब अंदर अंदर वाटर को जो पाइप है उसको चोक करेगा। ओके, एंड जो एसिडिटी है वो क्या करेगी, कोरोजन मतलब उसको अंदर खराब करेगा वाटर को, ठीक है, ऊपर से नीचे से उसको खराब कर करके उसको पाइप को ही खराब कर देगा वो, ठीक है, टूट जाएगा वहाँ से पाइप। ओके, समझ आ गया दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। ये जो रिएक्शन है इनको पढ़ लेना आप, सी ए प्लस 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 सी ओ थ्री माइनस सी ए सी ओ थ्री। ओके, ये सारी रिएक्शन आप पढ़ के इनको ध्यान रखना। ओके, ये किस तरीके से बनती है ये मैं यहाँ पर डिटेल नहीं बता रहा हूँ आपको, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। ओके, अगर कोई ज़रूरत नहीं है करने की कि किस तरीके से आए, आपको बस रिएक्शन को याद कर ला, याद भी मत करो, रटना नहीं है इनको, एक बार पढ़ लो, ठीक है, इन रिएक्शन को पढ़ लो एक बार, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन में काम आएगी उसके हिसाब से आप याद करना कि ये रिएक्शन का यूज़ आता किस तरीके से। ऐसे रटना थोड़ी है सी ए प्लस 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 सी ओ थ्री माइनस जी रिएक्शन लगा करके सी ए सी ओ थ्री, ये नीचे एरो लग जाएगा इसके, एम जी प्लस 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 ओ एच माइनस इसके एरो लगा करके एम जी ओ एस टू, ऐसे रटना नहीं है इनको, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें क्वेश्चन में इनका यूज़ किस तरीके से, किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको अंडर टेस्ट के लिए बोल रखा है, मेरे पास ले लेना घुमा फिरा करके, वो नोट्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा, नोट्स का यूज़ किस तरीके से करना है ये पता लगेगा आपको उन टेस्ट की वजह से, ठीक है। ऐसे मत समझना कि मैं टेस्ट बेचने के लिए कर रहा हूँ, आपके लिए ये फ़ायदा है, खुद का फ़ायदा देखो। ओके, उन टेस्ट से आपको रियल में पता लगेगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। झूठ तो मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ कि आपकी मेरे पास लोगे, मेरे पैसे आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, फालतू की बात तो सोचना मत। ओके, आपका ही फ़ायदा होगा उसमें, अगर टेस्ट लोगे तो पढ़ोगे उनको, ठीक है, वो आप जब लोगे तो जब फील करोगे कि हाँ सच में ही आता है ऐसे, ठीक है। बाकी आप व्हाट्सएप पे बात करके कम से कम बात तो करना कि क्या है क्या नहीं, बाकी तो आप समझदार हो, खुद इंजीनियर हो तो दिमाग तो ज़्यादा ही है, मेरे से तो ज़्यादा ही होगा। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ एल्कलिनिटी, एल्कलिनिटी को मेजर किस तरीके से करेंगे। द एल्कलिनिटी ऑफ वाटर, फर्स्ट पॉइंट देखो, द एल्कलिनिटी ऑफ वाटर सैंपल इज मेजर्ड बाय टाइट्रेटिंग इट विद एसिड एंड डिटरमाइनिंग द हाइड्रोजन इक्विवेलेंट ऑफ एल्कलिनिटी। इसको क्या करते हैं हम, टाइट्रेशन से फाइंड आउट करते हैं, एसिड से टाइट्रेट करते हैं इसको, बट उससे पहले क्वेश्चन करेंगे फिर आपको बताऊंगा मैं। इसके लिए आपको ये इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं वो याद करें, नंबर ऑफ मोल्स किस तरीके से निकालोगे। अगर आपको कोई कंपाउंड दे दे और मैं बोलूँ कि इसके आप नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स किस तरीके से निकालोगे, गिवन है वेट ऑफ कंपाउंड, उस कंपाउंड का आप बोलोगे कि मुझे उस कंपाउंड का पहले तो वेट दो, किस कंपाउंड का वेट कितना है, तो गिवन वेट ऑफ कंपाउंड अपॉन मोलिकुलर वेट। अब मोलिकुलर वेट क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए, एटॉमिक टेबल नेट से डाउनलोड कर लेना, एटॉमिक टेबल से आपको हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन के सबके एटॉमिक नंबर 20 तक तो कम से कम पता होना ही चाहिए, ठीक है, 1 to 20 यहाँ तक पे आपके एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक नंबर एंड मोलिकुलर वेट दोनों ध्यान रखना 1 to 20 तक, ठीक है, हाइड्रोजन से लेके CA तक। ओके, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन इस तरीके से 20 तक तो याद करना। ओके, वो इंपॉर्टेंट है। तो नंबर ऑफ मोल्स किस तरीके से निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज द रेशियो ऑफ द गिवन वेट ऑफ द कंपाउंड टू द मोलिकुलर वेट। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट किस तरीके से निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे मोलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी, ठीक है, वैलेंसी मतलब सी ए प्लस टू है तो इसकी वैलेंसी कितनी है, प्लस टू वैलेंसी है इसकी, ठीक है, वैलेंसी का मतलब ये होता है। ओके, देन इसको भी हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट वेट का अगर डेफिनेशन क्या है, तो इक्विवेलेंट वेट इज द रेशियो ऑफ द मोलिकुलर वेट टू द वैलेंसी। देन नेक्स्ट इज है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इसको किस तरीके से निकालेंगे, इसको सिंपल है, गिवन वेट ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड का गिवन वेट अपॉन दिस इक्विवेलेंट वेट। ओके, इक्विवेलेंट वेट मतलब ये सारा फॉर्मूला यहाँ पर लिख देना, इक्विवेलेंट वेट मोलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी,
इन तीनों फॉर्म हम लोग को याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, काम आते हैं। बाकी एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना, 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एनी थिंग इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एनी अदर थिंग। ठीक है, इक्विवेलेंट उतना ही लगेगा जितना होना चाहिए, आप चाहे एक कंपाउंड लो या फिर कोई और कंपाउंड लो। ओके, देन देखो ये पॉइंट यहाँ पर दिखा रखा है, 2H+ SO4- इज H2SO4। इसके 2 मोल है, इसका 1 मोल है, आगे कुछ नहीं लगा हुआ तो 1 मोल है, और इसके भी आगे कुछ नहीं लगा हुआ तो 1 मोल है, 2 मोल 1 मोल एंड 1 मोल। ओके, ये क्या दे रखा है, इसका मोलिकुलर वेट दे रखा है। ओके, मोलिकुलर वेट कितना होता है हाइड्रोजन का, अब वो याद करना आप, हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो 1 × 2 मोल है इसके, तो 1 एंड 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ग्राम हो गया। ठीक है, इसका कितना होता है, एस का हो जाएगा आपका 32, एंड ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 कितना, SO4 है ना, तो 16 × 4 कितने हो गए 64। ओके, एंड 32 किसका हो गया, एस का, तो 32 कितना हो गया 96 हो गया। ठीक है, इसकी बात करेंगे तो SO4 का तो इतना ही है जितना इसका हो गया, SO4 कितना हो गया 96, प्लस हाइड्रोजन एक और इसमें, तो हाइड्रोजन का एक होता है तो एक ये हो गया, कितना हो गया 97। हाँ, कहाँ गलती हुई, हाँ लिख, बट यहाँ पर H2 है ना, H2SO4, तो हाइड्रोजन का 1 × 2, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 है, तो कितना हो गया 2 हो गया ये, तो 96 + 98 हो गया। ओके, तो ये 98 हो गया। बाकी ये कहाँ से आई अल्कलिनिटी, ये कहाँ से आई, अभी एक क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को करो, इससे पता लग जाएगा आपको। ओके, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखो, अ वाटर सैंपल कंटेंट 210 ग्राम ऑफ कार्बोनेट, कार्बोनेट मतलब CO3- या CO3-2। ओके, ये गिवन वेट कितना दे रखा है कार्बोनेट का, 210 ग्राम। ओके, देन 122 ग्राम ऑफ बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट मतलब HCO3-। ओके, एंड 68 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। फाइंड द एल्कलिनिटी ऑफ वाटर एंड एक्सप्रेस इट CaCO3। ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि आपको वाटर की एल्कलिनिटी फाइंड आउट करनी है, और उसको एक्सप्रेस किस में करना है, CaCO3- में। ओके, आप क्या करो, इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ वो निकालो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कार्बोनेट, सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कार्बोनेट निकालोगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था अभी, उसका होता है गिवन वेट ऑफ कंपाउंड। ओके, अब देखो अभी मुझे बताया था लास्ट का फॉर्मूला, गिवन वेट ऑफ कंपाउंड, तो गिवन वेट ऑफ कंपाउंड कितना देखा कार्बोनेट के लिए, 210। ओके, अपॉन नीचे क्या था फॉर्मूले में, इक्विवेलेंट वेट। ओके, यहाँ पर क्या था, इक्विवेलेंट वेट था उसमें, अब इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मोलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी, मोलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी। ओके, अब मोलिकुलर वेट किसका, CO3-2 का, अब इसका मोलिकुलर वेट कितना हो गया, अब देखो कार्बन का कितना हो गया 12। ओके, और इसका कितना हो गया 16 × 3 कितना हो गया 48 ना हो गया 6 एंड 5। ओके, 56 हो गया। ओके, 16 हो गया, अच्छा कुछ हो रहा है, एक मिनट, अब वैलेंसी कितनी है इसकी, वैलेंस कितनी है -2, तो 56 × -2 कितना हो गया 62 4। अच्छा कितना हो गया, देखो ऐड करने में गलत करने, 8 और 2 कितने हो गए 0 10 1, तो 60 हो गया ना, ये यहाँ पर गलती कर रहे हैं। ठीक है, 60 हो गया, तो मोलिकुलर वेट तो कितना हो गया 60 / वैलेंसी, वैलेंसी कितनी है CO3 में, -2 वैलेंसी है, तो -2 मतलब 2। ठीक है, माइनस मत लगाओ, 2 कितना हो गया 30। ओके, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया आपका 30, मतलब 210 अपॉन 30, तो ये 210 अपॉन 30 किस तरीके से आगे पता लग गया आपको। ठीक है, ऐसे ही बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड आप फाइंड आउट कर लोगे, तीनों को ऐड करोगे कितना आ गया 13 इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 आ गया। ठीक है, अब 13 इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 × 50, तो 650 हो गया, 13 × 50 कितना हो गया 650 ग्राम ऑफ CaCO3। ठीक है, इस तरीके से फाइंड आउट करना है, बस ये इंपॉर्टेंट, ये इसमें कन्फ्यूज हो जाओगे कि ये किस तरीके से आया, ये उस फॉर्मूले से आया, अभी मैंने आपको समझाया, उसको वापस से देखो, अभी 2 मिनट 1 मिनट पहले उसको वापस से देखो, समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी आपको याद करना है, याद क्या करना है इसमें,
मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन कैपिटल एम से डिनोट करते हैं मोलरिटी को, ठीक है। मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी याद आ गई ना आपको, ट्वेल्थ में पढ़ा होगा अपने अगर आपने IIT कोचिंग वगैरह की, कोचिंग से क्या मतलब है, अगर आपने 11th 12th में भी पढ़ा होगा मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। मोलरिटी इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स टू द वन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन इट, एंड नॉर्मलिटी इज द रेशियो ऑफ किस विच नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स टू द 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। ओके, अब देखो देसी भाषा समझ लो थोड़ा सा, मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, वो नंबर ऑफ मोल्स, जितने आपके नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे अपॉन वन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब जो आपको जो भी सोल्यूशन रहेगा उसका वॉल्यूम कितना है, ओके, यहाँ पर उसके जो वेट कितना है उससे कोई मतलब नहीं है, वॉल्यूम कितना है सोल्यूशन का, आपको जो भी वॉल्यूम है, क्योंकि अलग अलग सोल्यूशन का अलग अलग वॉल्यूम होगा, तो यहाँ से हमें वॉल्यूम से मतलब है। और नॉर्मलिटी से मतलब क्या है, नॉर्मलिटी मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट टू द 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, यहाँ पर आपके 1 लीटर लेना है सोल्यूशन को, ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम से हमें कोई मतलब नहीं है, 1 लीटर हो तो 1 लीटर, अब उसका वॉल्यूम चाहे इतना बड़ा हो चाहे उसका वॉल्यूम इतना सा हो, आपको 1 लीटर लेना है। ओके, यहाँ पर वॉल्यूम की बात हो रही है ऊपर मोलरिटी के लिए, वहाँ पर वॉल्यूम आपका मान लो वेट से कुछ मतलब नहीं है, ठीक है, सोल्यूशन कितना ही हो आपका वॉल्यूम से मतलब है यहाँ पर, ठीक है। आ गया ना समझ, यार कन्फ्यूज़ हो गए, ज़्यादा समझाते हैं तो भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, इफ़ 0.02 नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4 यूज एज टाइट्रेंट, अगर आपको 0.02 ये रट लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये तो रट ही लेना, 0.02 N H2SO4 यूज एज टाइट्रेंट, देन 1 ml ऑफ दिस। नेक्स्ट आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना, ओके, वही मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूँ तो ये मत समझा करो कि यही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सब कुछ ही है, ओके, बट जो ज़्यादा ध्यान देना है वो इनके ऊपर देना है। ये क्या है, द रिलेटिव क्वांटिटीज ऑफ एल्केलाइन स्पीसीज प्रेजेंट इन वाटर इज pH डिपेंडेंट बाइकार्बोनेट कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्सिल। देखो ये क्या कर रहा है, हम न्यूट्रलाइज करेंगे एल्केलिनिटी को, किस तरीके से न्यूट्रलाइज करेंगे, उसको टाइट्रेट करेंगे एसिड से, ये मैंने आपको बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले कि हम क्या करते हैं एसिड से टाइट्रेट करके उसको न्यूट्रलाइज करते हैं एल्केलिनिटी को। बट ओके, 100 ml ऑफ इसमें जो ब्यूरेट है उसमें हम क्या करते हैं 100 ml सोल्यूशन लेते हैं, सोल्यूशन क्या है इंडिकेटर है, ओके, 100 तो कितना लेते हैं हम फिनोप्थेलिन, फिनोप्थेलिन क्या होता है कलरलेस होता है, ओके, एंड 100 ml पर हम लेते हैं एम मतलब मिथाइल ऑरेंज, ओके, इसका कलर कैसा होता है, मिथाइल ऑरेंज का कलर किस तरीके से होता है, ऑरेंज कलर का, ओके, ठीक है। हम क्या करते हैं इसको धीरे धीरे यहाँ से टाइट्रेट करते रहते हैं, ओके, धीरे धीरे इसको टाइट्रेट करेंगे, पहले पूरा फिनोप्थेलिन खाली करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे मिथाइल ऑरेंज खाली करेंगे, तो जैसे जैसे इसका जो टाइट्रेशन होता रहता है तो इसकी pH क्या होती है धीरे धीरे डिक्रीज करती जाती है, ओके, उस डिक्रीमेंट, अब ये तो कैसे होगी ये मैं आपको समझा नहीं सकता क्योंकि ये तो प्रैक्टिकल से परफॉर्म होगा जो उसके बेसिस पे फाइंड आउट किया गया है, ओके, बट जिसकी pH रहती है वो 10 से तो ज़्यादा ही रहती है, किस किस की बाइकार्बोनेट प्लस कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्सिल प्लस कुछ इंडिकेटर जो कि फिनोप्थेलिन एंड क्या है मिथाइल ऑरेंज, ओके, ये पता इससे लगा कि बार बार टेस्ट करेंगे, ओके, लैब में बार बार टेस्ट करने के बाद में ये जो मेथड है फाइनली वो फाइंड आउट किया गया, मेथड क्या है मतलब एक फिक्स वैल्यू है जो फाइंड आउट की गई है किस तरीके से, जैसे मैंने आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में टेंजाइल टेस्ट बताया था, ठीक है, उसको आपने परफॉर्म किया था, वो आपने रटा ही था सीधा जो मैंने बताया था आपको, या फिर आपने कहीं और किसी टीचर ने बताया होगा तो वो भी आपने पढ़ाया था, ऐसा रियल में तो आपने देखा नहीं, या फिर आपने रियल में देखा भी होगा तो टेस्टिंग के टाइम पे आपने देखा होगा लैब में, ओके, मैंने तो देखा है आपने भी देखा होगा उसको, जैसे जैसे आप अंदर से जितना एनालाइज करके देखोगे तो वो जो टेस्ट है वो बिल्कुल सही है, और जो पहले के जो भी इंजीनियर्स थे उन्होंने ये टेस्टिंग कर के बार बार टेस्टिंग करके वो फाइनली जो कि ये तो फिक्स है इससे ज़्यादा ना कम कुछ नहीं होगा और ऐसा ही फिनोमिना इसका बनेगा, टेंजाइल टेस्ट की बात कर रहा हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, वैसा ही यहाँ पर बार बार टाइट्रेशन करके फाइनली एक वैल्यू फाइंड आउट की गई है उसको आपको पढ़ना है, ओके, हाँ उस पर आप सवाल उठा सकते हो उसको समझ सकते हो अलग अलग खुद का माइंड यूज़ करके, बट जो ये है वो करेक्ट है, ओके, कि जैसे जैसे हम इसमें टाइट्रेट करेंगे एसिड के साथ मिथाइल ऑरेंज या फिनोप्थेलिन के साथ तो उसकी जो pH है वो धीरे धीरे कम होती रहती है, ठीक है। अब इस टाइट्रेशन के हेल्प से ये जो टाइट्रेशन हमने किया ब्यूरेट की हेल्प से लैब में, इसकी हेल्प से हमने एक ग्राफ का फॉर्मेशन किया है और वो ग्राफ इस तरीके से है, जैसे जैसे आप इसमें बाकी पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे इसको, बट जो नॉर्मल है वो आप ध्यान रखना, ध्यान समझ लेना, पहले जो हम क्या करते हैं पहले फिनोप्थेलिन से इसको टाइट्रेट करेंगे, और उस फिनोप्थेलिन क्या होता है कलरलेस होता है, इंडिकेटर है एक तरीके का,
ठीक है, इंडिकेटर होते हैं ये अलग, कि इंडिकेटर का हम उसमें जिससे टाइट ट्रेड करते हैं, ओके ये तो आपको पता है ना, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, बीटेक किए हैं तो, ठीक है। उसकी पीएच रेंज होती है फिनोक्सिलिन की, वो कितनी होती है 8.6 to 10.3, ओके। उसका जब टाइट्रेशन करेंगे तो उसकी पीएच धीरे धीरे कम होती रहेगी, धीरे धीरे उसकी पीएच कम होगी तो जो आपका बाइकार्बोनेट है वो न्यूट्रलाइज होगा हाइड्रोजनियम आयन की हेल्प से, ओके। न्यूट्रलाइज होकर क्या देगा, वो बाइकार्बोनेट देगा, ओके। तो जो 8.3 फिक्स है इस वैल्यू पर आपका हाफ न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है सोल्यूशन का, वाटर का, ओके। देन उसके बाद में नेक्स्ट जो बात आती है वो किसकी आती है, मिथाइल ऑरेंज की, और उसकी पीएच मिथाइल ऑरेंज कलर कैसा होता है, ऑरेंज होता है, और इसकी पीएच रेंज कहाँ से कहाँ की किस किस के बीच में रहती है, 2.8 to 4.2, ओके। देन जैसे ही आप मिथाइल ऑरेंज ऐड करोगे इसमें तो भी इसके जो पीएच है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी, ओके। और फाइनली जो इसका कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज होगा वो कितने पर होगा, ये 4.5 के ऊपर, ओके। इसको पॉइंट बाय पॉइंट अभी देखेंगे, ये बस आप इतना ध्यान रखो, जो ये रिएक्शन होती है, अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिख रखा है, H2 and HCO3 आर फॉर्म्ड एट पीएच 8.3। आपके जो H2O, ये H2O, ओके, एंड ये HCO3-, देखो हाँ ये रहा HCO3-, ओके, ये जो दोनों रिएक्शन के लिए ये जो कंपाउंड बनेंगे आपका वाटर एंड बाइकार्बोनेट, ये दोनों बनेंगे वो आपके में, हम इस तरीके से नहीं बोल सकते कि आपका इस पीएच रेंज में ये बने, ये दोनों कंपाउंड जो बनेंगे वो आपके फिक्स इस 8.3 पीएच पर आते ही फिक्स इस वैल्यू के ऊपर बनेंगे, ना कि इस रेंज के अंदर बनेंगे, ओके। और जो ये दोनों H2CO3 and H2CO3- बनेंगे वो आपके इस रेंज के अंदर बनेंगे, ओके। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कि 8.3 फिक्स के ऊपर आकर के आपका हाइड्रोजन वाटर एंड बाइकार्बोनेट बनेगा, ओके। बट जो ये जो कंपाउंड बनेंगे ओरिजिनली प्रेजेंट रहेगा जो H2CO3- और H2CO3, वो आपकी इस रेंज के अंदर बनते हैं, ओके। जैसे जैसे आप क्या करोगे इसमें इंडिकेटर ऐड करते जाओगे, ठीक है। यहाँ पर देखो ये दिखा रखा है, जैसे जैसे आप इंडिकेटर ऐड करते जा रहे हो इसमें, पहले फिनोप्थिलीन एंड देन मिथाइल ऑरेंज 100 ml का, तो आपकी जो पीएच है वो धीरे धीरे क्या करती जा रही है, डिक्रीज करती जा रही है, ठीक है। यहाँ पर देखो दिख रहा है, बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना आप, अब पढ़ लो के करके जो मैंने समझाया वही है। यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ कार्बोनेट टू बाइकार्बोनेट इज इसेंशियली कंप्लीटेड एट पीएच 8.3। आपका जो कन्वर्जन रहेगा वो इसेंशियली पीएच 8.3 पर ही फिक्स होगा, ना कि किसी रेंज में, ठीक है। बट दिस रिजल्ट बाइकार्बोनेट H2CO3- स्टिल रिक्वायर्ड एसिड, बट कम्प्लीटली तो न्यूट्रलाइज नहीं हुआ है, देखो यहाँ पर, बट ये कम्प्लीटली तो न्यूट्रलाइज नहीं हुआ, इसको और एसिड की रिक्वायरमेंट है कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज होने के लिए, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हाफ न्यूट्रलाइज हो गए हैं यहाँ पर, देन कम्प्लीट न्यूट्रलाइज, हैंस वी कैन से दैट हाफ ऑफ कार्बन एल्केलिनिटी इज न्यूट्रलाइज अप टू 8.3, मतलब 8.3 तक वो हाफ न्यूट्रलाइज हो चुका है, ओके। ये जो दोनों कंपाउंड बनेंगे वो आपकी पीएच रेंज में बनेंगे। देन सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल OH- इज ऑल्सो कम्प्लीटेड अप टू 8.3, और जो आपका हाइड्रोक्सिल आयन है OH- वो भी कहाँ पर कम्प्लीट होता है, 8.3 पर ही कम्प्लीट होता है, ठीक है। एक एक करके आप पॉइंट पढ़ लेना, ओके, वही ये पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड टू फॉर न्यूट्रलाइजिंग, ये वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज करते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए, एल्केलिनिटी क्या होती है, पी फिनोप्थिलीन, ठीक है। अच्छा चलो इस इन पॉइंट को एक एक करके दिखा देता हूँ, ओके। वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड फॉर न्यूट्रलाइजिंग ऑफ दिस एल्केलिनिटी इज PML। सबसे पहले हम क्या करते हैं, PML का इंडिकेटर एसिडिटी यूज करके इसको न्यूट्रलाइज करते हैं, और पी मतलब क्या है, फिनोप्थिलीन रेंज, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है, इंडिकेटर यूज्ड इन फर्स्ट स्टेज, सबसे पहले हम जो स्टेज में इंडिकेटर यूज करेंगे वो इंडिकेटर कौन सा होता है, फिनोप्थिलीन, टाइट्रेशन करने के लिए। ऐसा नहीं है कि पहले मिथाइल ऑरेंज टाइट्रेट कर दिए बाद में कौन सा फिनोप्थिलीन यूज करें, ऐसा नहीं है। फर्स्ट स्टेज में यूज करेंगे वो क्या करेंगे, फिनोप्थिलीन यूज करेंगे, ओके। ऐसा परफॉर्म करना पड़ेगा किसके लिए, एल्केलिनिटी फाइंड आउट करने के लिए। ये क्या कर रहे हैं हम, ठीक है, पढ़ते पढ़ते ये मत भूल जाएगा क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे थे पहले एल्केलिनिटी रिलेटेड जो भी नॉर्मल थियोरी थी वो हमने पढ़ लिया, उसके बाद में क्या क्या इंपैक्ट थे वो पढ़ लिए, फिर बात आई थी किसकी, मेजरमेंट ऑफ एल्केलिनिटी, तो उसको एल्केलिनिटी को मेजर किस तरीके से करेंगे, टाइट्रेशन करके, वो पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इंडिकेटर यूज करेंगे फर्स्ट स्टेज में, फिनोप्थिलीन, इट इज़ बेसिक इंडिकेटर विद वर्किंग रेंज ऑफ, इसकी वर्किंग रेंज क्या होती है, पीएच 8.3 to 10.6, मतलब ये 8.3 से 10.6 के बीच में ही ये कुछ ना कुछ इसका कलर चेंज करेगा, ओके। मतलब उसमें कुछ ना कुछ एल्केलिनिटी रिमूव करेगा या फिर कुछ उसका कलर चेंज करके किसी और कंपाउंड में डिफॉर्म करेगा, ओके। इट इज़ ओरिजिनली कलरलेस, खुद का कलर कैसा होता है, कलरलेस होता है, बट जो टाइट्रेट करते करते जो इस कलर देगा ये, वो कौन सा कलर देगा जो आपके सोल्यूशन में, वो कितना देगा, पिंक, ठीक है, वर्किंग रेंज में पिंक देगा या फिर येलो कलर देगा, ओके।
ठीक है, ये पॉइंट फिर आप पढ़ लेना, वही पीएच के लिए बोल रहा है जो मैंने आपको समझा कि 8.3 पर फिक्स पाएगा। देन सिक्स पॉइंट है इंडिकेटर यूज्ड इन सेकंड स्टेज में, कौन सा इंडिकेटर यूज़ करेंगे हम, मिथाइल ओरेंज यूज़ करेंगे, इट इज़ एसिडिक इंडिकेटर, एसिडिक रहता है, विच वर्क्स, ये ध्यान रखना ठीक है, एसिडिक इंडिकेटर रहता है विच वर्क्स इन पीएच रेंज, और इसकी पीएच कहाँ से कहाँ के बीच में काम करेगी, 2.8 to 4.3। इट इज़ ओरिजिनली ऑरेंज इन कलर, इसका कलर कैसा होता है, ओरिजिनली कलर ऑरेंज रहता है, और फिनोफ्थ्रीन का कैसा था, कलरलेस था, और जो सॉल्यूशन का कलर देखा वो कैसा देखा, येलो। ठीक है, अब मैंने जो भी आपको समझाया कि आपकी पी क्या है, फिनोफ्थ्रीन रेंज है, एम क्या है, मिथाइल ऑरेंज रेंज है। ओके, अब ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, इनको रटना मत आप, एनालाइज रटना तो है ही, इनको रट लो आप ठीक है, बट इनको आप एनालाइज करना, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता दूंगा इसे पीछे आके कि देखो ये आ रहा है पी आ रहा है, अब यहाँ से मिथाइल ऑरेंज कम होती रहेगी तो ये इसके बराबर आएगा, तो आपकी जो जो क्या होगा, जो एल्कलिनिटी होगी वो कौन सी होगी, कोस्टिक एल्कलिनिटी होगी या फिर कार्बोनेट एल्कलिनिटी होगी, ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बताऊँगा वो आपको सीधा सीधा समझ आ जाएगा, बट आप खुद का माइंड यूज़ करके इसको समझो एक एक चीज़ को। ओके, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आप खुद का माइंड यूज़ करोगे वही आपके काम आने वाला है इंटरव्यूज़ में भी और एग्जाम्स में भी, ऐसा नहीं है कि आईएएस का या गेट का क्वेश्चन पूछ रहा है ये आपको उठा के दे देगा, पी बराबर एम है तो क्या होगा, रट्टा रट्टी का काम कुछ नहीं आएगा उसमें, खुद का माइंड यूज़ करके समझो एंड देन उसको रट लो ठीक है, समझना ज़रूरी है और रटना भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि समझ के ही काम हो जाएगा, रटने से कुछ नहीं होगा, या फिर ऐसा नहीं कि हर चीज़ रट लूँ समझूँ नहीं, ठीक है, दोनों आपका 50-50% काम करता है, रटना प्लस समझना, तो इसको पहले समझ लो एंड देन रट लेना क्या क्या है, पी बराबर अगर एम है, फिनोफ्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज की रेंज एक जैसी है तो क्या होगा, कोस्टिक एल्कलिनिटी प्रेजेंट होगी ओएच माइनस, अगर फिनोफ्थेलिन मिथाइल ऑरेंज का हाफ है तो बाइकार्बोनेट, ओ सॉरी कार्बोनेट, एक बाइकार्बोनेट पी बराबर जीरो रहते हो, अगर एम बाई टू से ज़्यादा है तो ये रहेगी ये रहेगा, ऐसा करके सारा कुछ आप पढ़ लेना ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट है ये जो दिख रहा है इस पर स्क्रीन पर पूरा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, पीएच के रिलेटेड स्टडी करेंगे, वही पीएच के रिलेटेड छोटी मोटी स्टडी करेंगे एंड देन उसके बाद में मेजरमेंट ऑफ पीएच, मैं पीएच का मेजरमेंट किस तरीके से करेंगे, फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ओके, फिर हार्डनेस आ गई, हार्डनेस के बाद में क्या करेंगे, वही जो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताया था केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में, हार्डनेस, नाइट्रोजन कंटेंट, फ्लोराइड कंटेंट, क्लोराइड कंटेंट, मेटल्स, गैसेज, ये सारा कुछ धीरे धीरे फिर पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, पीएच।